सो यो बड़ी गाली आप सभी का और मेरे भाई लोग, मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग जो कैसे फ्री में बहुत सारे नेम चेंज कार्ड लोगे। आप देखो गाइस, अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो, अगर आप लोग यहाँ पे नाम चेंज करने जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे 390 डायमंड लगता है। उसके साथ में अगर आप लोगों के पास नेम चेंज कार्ड है तो आप लोग इससे एकदम बिल्कुल फ्री में अपने नाम को चेंज कर सकते हो। तो देखो गाइस, बहुत सारे बंदे फ्री फायर में जैसे कि नए शुरुआत होता है, जैसे नए आईडी बनाता है तो यहाँ पे कुछ भी नाम रख लेता है, या तो भाई बाद में कोई बंदा किसी के गिल्ड में जाना चाहता है तो उसके बाद नाम चेंज करने का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे बंदे के पास क्या होता है, यहाँ पे डायमंड तो होता नहीं है, साथ में यहाँ पे नेम चेंज कार्ड भी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्री में आप लोग जो अनलिमिटेड नेम चेंज कार्ड कैसे ले सकते हो, और गाइस खुद मैं आप लोगों को इस वीडियो में लाइव लेकर भी दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग भी बहुत सारे नेम चेंज कार्ड लेना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है मेरे भाई लोग, ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सो गाइस, इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सुन इस पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और गाइस चैनल पे नए आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस साथ में घंटों को भी दबा देना। तो देखो गाइस, अगर आप लोग फ्री में नेम चेंज कार्ड लेना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा। तो देखो गाइस, काफ़ी मतलब पहले जो है ना गाइस, काफ़ी सिंपल काफ़ी इजी था। आप लोग यहाँ पे रिडीम पे आने के बाद और गाइस गिल्ड में आने के बाद आप लोग यहाँ पे गिल्ड टोकन से क्या होता था, यहाँ पे आप लोगों को 39 डायमंड में क्या होता था, एक नेम चेंज कार्ड मिल जाता था। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या किया है, वो तो पुराने वाला गिल्ड का मतलब टोकन ही खत्म कर दिया है, तो यहाँ पे जो सिस्टम था उसको हटा दिया है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे अगर नेम चेंज कार्ड भी लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, 390 डायमंड देना पड़ेगा, तभी आप लोग ले सकते हो। लेकिन गाइस आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्री में आप लोग कैसे अनलिमिटेड ले सकते हो, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे जो तरीका है गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले चलो गाइस यहाँ पे जो नेम चेंज कार्ड है उसको पहले क्लेम करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग मेरा वर्ल्ड पे, मैं आपके मतलब मैं अपना वर्ल्ड पैक आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास नेम चेंज कार्ड कितना है। तो जैसे देखो तो यहाँ पे 5 मेरे पास नेम चेंज कार्ड मतलब नेम चेंज कार्ड है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, नेम चेंज कार्ड यहाँ पे मेरे पास 5 है। चलो यहाँ पे एक और क्लेम करते हैं, और गाइस यहाँ पे मेरा हो जाएगा टोटल 6। तो चलो यहाँ पे आता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मुझे एक और नेम चेंज कार्ड मुझे मिल गया। तो सिंपली ओके पे क्लिक करता हूँ, और ओके पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे फिर से आकर दिखा देता हूँ कि मेरे पास टोटल कितना नेम चेंज कार्ड हुआ। तो देखो यहाँ पे 6 हो गया। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री में लिया हूँ, पे मेरे को एक भी डायमंड देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो मैं किस तरह इसको फ्री में लिया हूं, तो देखो यहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहां पे आप लोगों को डायनेमिक डुओ बनाना पड़ता है, उसके साथ में आप लोगों को गेम खेलना पड़ता होगा। जैसे यहां पे जो तीसरा लेवल हो जाएगा तो आप लोगों को यहां पे एक नेम चेंज कार्ड मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहां पे अभी क्लेम किया, ठीक है। लेकिन गाइस जैसे कि यहां पे नेम मतलब जैसे कि यहां पे डायनेमिक डुओ बनाने के लिए आप लोगों को यहां पे एक चीज चाहिए, जो कि यहां पे स्टोर पे आके देखोगे तो यहां पे रहता है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूं गाइस, यहां पे इधर ही होगा कहीं पे। तो देखो गाइस यहाँ पे रहता है, तो देखो ये जो है ना गाइस गोल्डन वो, ये आप लोगों को चाहिए डायनेमिक डुओ किसी के साथ बनाने के लिए। तो बहुत सारे बंदे के पास ये तो होता है गाइस, बहुत सारे बंदे के पास नहीं होता है। तो अगर आप लोगों के पास नहीं तो आप लोग यहाँ पे 100 डायमंड में इसको खरीद सकते हो, उसके बाद आप लोग किसी के साथ यहाँ पे डायनेमिक डुओ बना सकते हो। लेकिन गाइस आप बोलोगे मेरे पास एक भी डायमंड नहीं है तो मैं यहाँ पे 100 डायमंड में इसको कैसे खरीदूंगा, तो देखो यहाँ पे इसका फ्री में भी इसका सॉल्यूशन है, आप लोग इसको फ्री में भी ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग इसमें लॉकी रॉयल पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आना गाइस, आप लोगों को वेपन पे आना, ठीक है। वेपन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे देखोगे तो वेपन के अंदर आप लोग यहाँ पे गोल्डन वो मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे गोल्ड से स्पिन मारना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये निकलेगा, तो आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो इसको लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, बस आपको गोल्ड से आके यहाँ पे स्पिन करना है, जो कि काफी जी, आप लोगों को गोल्ड बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे स्पिन आके इसको स्पिन करके आप लोग इसको निकाल सकते हो, उसके बाद आप लोग इससे किसी के साथ भी डायनेमिक डुओ बना सकते हो, जो कि काफी सिंपल है। और गाइस मैं यहाँ पे इसी तरह करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पिन मार के क्या करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ और किसी के साथ डायनेमिक डुओ बना के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास 100 डायमंड है तो आप लोग आइटम पे मतलब यहाँ पे स्टोर पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आके इसको परचेस कर सकते हो। उसके बाद आप लोग आराम से इसको लेने के बाद डायनेमिक डुओ के साथ जैसे डायनेमिक डुओ बना लोगे, उसके साथ जैसे खेलोगे तो ये फुल होता रहेगा, ठीक है गाइस। जैसे फुल हो जाएगा तो आप लोग सिंपली क्लेम करना, उसके बाद आप लोग इजी पीजी नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ, तब तक गाइस आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय गाइस।